तो है, मशीन को तो आपने जो कुछ पढ़ के सुनाया रिकॉर्ड हो जाएगी। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जो एक बार पढ़ करके पूरा का पूरा याद रख ले, और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जिस किसी को भूलने की बीमारी है, सुन लीजिएगा, जिस किसी को भूलने की बीमारी है वो ध्यान रख लो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले जो पेपर हैं उनमें आपको याद रखना भी नहीं है। भूल रहे तो कोई बात नहीं, आपको रिकॉग्नाइज करना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स प्रत्यभिज्ञानात्मक प्रश्न होते हैं जिसमें आपको चार ऑप्शन को देख करके रिकॉग्नाइज करते हैं। अरे ये बताओ, आप किसी आपके अगल बगल में या आपसे मिलने वाले किसी व्यक्ति या दोस्त का नाम रखते हो क्या? किसका नाम मोहन था, मोहन था, मोहन मोहन, घर गए फिर सुबह उठे मोहन मोहन, नहीं रखते। लेकिन महीने भर बाद, सात दो साल बाद जब वो सामने आया, आपके मन से ऑटोमेटिक नाम क्यों आया मोहन? रिकॉग्नाइज करना है आपको, प्रत्यभिज्ञान करना है, प्रत्यास्मरण नहीं। तो भूलने की बीमारी है, मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है। और एक चीज ध्यान रखना, भूलने की बीमारी सब में है, यदि बीमारी के रूप में माना जाए। मैं भी भूलता हूं, आप भी भूलते हैं, कोई भी पहले विद्वान हुआ वो भी भूलता है, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट वो भी भूल सकता है, कोई अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति वो भूल सकता है। भूलना कोई बीमारी नहीं है। मेरे को अफसोस तब होता है जब वो ये कहता है ना कि सर मेरे को भूल गया, किस किस को भूल गया, कि मैं ये भूल गया कि स्वर संधि कहां कहां होती है। अच्छा ये बताओ फिर ये चीज कैसे याद रह गई आपको? ये चीज क्योंकि आपने मन के अंदर फोबिया बना रखा है कि मैं भूल रहा हूं। कई लोग कहते हैं सर मेरे तो सर के ऊपर से निकल गया, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा और दिमाग से निकल गया। ये कभी नहीं होता, ये सब मन के बहम। आप सोच रहे हो कि मेरे ऊपर से निकल गया, आप सोच रहे हो कि मैं भूल गया, आप ये सोच क्यों रहे हो कि मैं भूल रहा हूं कि याद हो रहा है? अरे प्रतिज्ञान है, रिकॉग्नाइज करना है। आप पांच साल बाद आपके किसी साथी से मिलते हो तब उसका नाम याद हो जाता है, उसकी शक्ल आपको याद रहती है, क्योंकि जैसे वो सामने आएगा आपको रिकॉग्नाइज, आपकी बुद्धि काम करेगी। ऐसे चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उनको देख करके आपको रिकॉग्नाइज होगा, प्रतिज्ञान होगा। इसे भूलने की बीमारी को बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा और मैं बता देता हूं, इसका एक आयुर्वेदिक तरीका भी है, कई लोग इसके ऊपर रिसर्च भी कर चुके हैं, वो बताते भी हैं। हमारी बुद्धि के अंदर जो स्नेह तत्व है, स्निग्धता है, लिक्विडिटी है, उससे हमारे बौद्धिक स्तर पर फर्क पड़ता है। इसलिए कई बार कहते हैं ना कि ये ड्राई फ्रूट्स खा लीजिएगा, वास्तव में वो हमारी बुद्धि के अंदर जो स्निग्धता है, लिक्विडिटी है, उसको एडजस्ट करते हैं। इसलिए कोशिश ये करो कि गरिष्ठ भोजन नहीं हो, सामान्य भोजन हो, और शुद्ध सात्विक भोजन हो, तामसिक भोजन नहीं हो, ये भी कोशिश करें। ये शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आप ध्यान रखें, ठीक है, क्लियर? अब ये क्लियर ध्यान रखना, कभी भी माइंड में ये टेंशन मत रखना कि मैं भूलता हूं, कोई नहीं भूलता। यदि भूलता तो आपको ये बात कैसे याद रह जाती कि मैं ये भूल गया? अच्छा फलाने देश का राष्ट्रपति कौन है, मैं भूल गया, लेकिन आपको ये तो याद रखा आप भूल गए, बस इतना ही चाहिए, रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। टेंशन फ्री होकर के बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर के फ्रेश माइंड से एग्जाम से पहले नींद अच्छी जरूर लेना, सब कुछ याद आ जाएगा पूरी की पूरी, रिफ्रेश। जैसे लैपटॉप होता है ना या कंप्यूटर होता है, उसको यदि आप बंद नहीं करोगे तो हैंग हो जाएगा, उसको रिफ्रेश माइंड चाहिए। एग्जाम से पहले आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए और अच्छे से आपको याद रखना चाहिए। अच्छा आपको मेरा नाम याद है? आप कौन से, आपके पापा का नाम याद है, आपकी मम्मी का नाम याद है, आपके गांव का नाम याद है? तो फिर आपको भूल कर रहे हो, आप तो बहुत बड़े स्मृतिशाली प्राणी हो, सबसे भाषा और पूरा का पूरा ज्ञान आपके पास है, मनुष्य इसीलिए तो, ठीक है ना। आगे से कोई मत कहना कि मैं भूलता हूं। चलो सैनिक आतंक